ये कहानी है मध्य प्रदेश के सिरोलिया गांव की, जहां पर एक मिस्टर बीपी शर्मा है। उन्होंने एक स्कूल चालू किया। दुनिया में काफी लोग हैं जो लिख नहीं सकते, और जो लिख सकते हैं उसमें से भी बहुत कम संख्या के लोग हैं जो उल्टे हाथ से लिख सकते हैं। और बीपी शर्मा जी ने इनसे प्रेरित होकर अपने स्कूल में बच्चों को दोनों हाथ से लिखना सिखाया। नमस्ते, ये पहला वीडियो है ऑफ द सीरीज द अनसंग हीरोज। ये वो लोग हैं लिमिटेशन से बाहर निकले, जो अपनी इनकेपेबिलिटीज या कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड गए, और उन्होंने एक कॉज के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किया या समर्पित किया। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा पोटेंशियल कहीं ज्यादा है कंपेयर टू जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, जो विश्वास करते हैं। और जब हम अपने आप को एक बड़े पर्पस के लिए समर्पित करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है वो, जिससे हम अपने पोटेंशियल को एक महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सिरोलिया गांव की, जहां पर एक मिस्टर बीपी शर्मा है। उन्होंने एक स्कूल चालू किया वीना वादिनी के नाम से। अब ये नॉर्मल स्कूल हो सकता था, लेकिन शर्मा जी प्रेरित हुए, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने कहा कि मैं स्कूल में कुछ नई बात लाऊंगा। तो शर्मा जी का कहना है कि दुनिया में काफी लोग हैं जो लिख नहीं सकते, और जो लिख सकते हैं उसमें से भी बहुत कम संख्या के लोग हैं जो उल्टे हाथ से लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो लेफ्ट हैंड वाले कम होते हैं, और उसमें से भी काफी कम लोग होते हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो MBA डेंटिस्ट थे, वो दोनों हाथ से लिख सकते थे। और बीपी शर्मा जी ने इनसे प्रेरित होकर अपने स्कूल में बच्चों को दोनों हाथ से लिखना सिखाया, और आज उनके पास 150 बच्चे हैं, जो मैंने उनके बारे में सुना और पढ़ा। और वो 150 बच्चे इतने कुशल हैं, इतने काबिल हैं, कि वो दो हाथों से सिर्फ लिख नहीं सकते, दो हाथों से अलग अलग भाषा लिख सकते हैं। एक हाथ से अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो एक हाथ से हिंदी लिख रहे हैं। और 80 तक के टेबल्स जो हैं वो लोग ऐसा खटपट बोल सकते हैं। 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में दे देते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, माइंड एक्सपर्ट्स हैं, वो सब ये बोलते हैं कि ये बच्चे जो हैं अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को इस बढ़िया ढंग से यूज कर पा रहे हैं। तो जब ये बाहर निकलेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, जब अपने जिंदगी को जीने के उसमें लेवल पे आएंगे, शायद और अच्छे ढंग से ये अपने काम को कर पाएंगे, बिकॉज उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन या उनका यूसेज जो है वो इक्वल चल रहा है। तो मेरा आपसे कहना है कि एक तो ये दुनिया का इकलौता स्कूल है जो ऐसे बच्चों को दोनों हाथ से लिखना सिखाता है। तो आई थिंक इट्स अ प्राइड फॉर अस, हमारे देश में एक छोटे से गांव में एक ऐसा इंसान है जो फिजियोलॉजी के इस एस्पेक्ट को मैक्सिमाइज कर रहा है। और कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहां पर वो ये कर पाए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे आज के अनसंग हीरो हैं, और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में हम अपने पोटेंशियल को किस लेवल पर ले जा सकते हैं। तो देखिए, आपके आसपास कोई ऐसा कॉज हो, कोई ऐसा मकसद हो जिसको आप पकड़ पाए, और उस मकसद को पकड़ने से वो काम तो अच्छा हो गई, उसका इम्पैक्ट तो हो गई, दुनिया प्रेरित होती है, वो भी एक होता है, लेकिन आप के लिए है कि आप अपने पर्पस से मिल पाए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आर लाइफ इज नॉट अ डेथ विच वी हैव और विच वी विल हैव, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आर लाइफ वुड बी कि हम अपने पोटेंशियल को जी नहीं पाए। सो होप दिस स्टोरी इंस्पायर्ड यू, एंड लुक फॉरवर्ड करिएगा मेरे अगले स्टोरी पे, अगले अनसंग हीरो के बारे में। एंड तब तक के लिए टेक चार्ज, नमस्ते।